नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे शेल कंपनीज के बारे में एंड शेल कंपनीज को कैसे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस यूज करती हैं टैक्स अवॉइडेंस के लिए। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था टैक्स हेवंस के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया था एंड उस पर रिसेंटली कुछ ज़्यादा व्यूज़ आए। एंड वो व्यूज़ इस वजह से आए क्योंकि कहीं ना कहीं अदानी एंड हिंडनबर्ग का जो पूरा मैटर हुआ है उसमें शेल कंपनीज का बहुत जिक्र था, तो लोगों ने सर्च करना स्टार्ट करा कि टैक्स हेवंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो उसमें मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा। शेल कंपनीज़ का मतलब सिंपल सा यह होता है कि कुछ फिक्टिशियस कंपनीज जिनको यूज़ किया जाता है फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि टैक्स हेवंस हैं, बरमूडा हो गया, आइल ऑफ मैन हो गया, या फिर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हो गया, या फिर आपका सिंगापुर हो गया, दुबई, नेदरलैंड्स, ये सारी जगह हो गई। इन सब जगह बहुत सारी शेल कंपनीज बनाई जाती हैं। कुछ ऐसे देश हैं कैरेबियन में खासकर जहाँ पे 100 या 200 बिलियन डॉलर की तो उनकी इकॉनमी है, बट उस इकॉनमी में जो पैसे जमा हैं वो 1 या 2 ट्रिलियन डॉलर है। वहाँ की पॉपुलेशन होगी 3 या 4 लाख लोग, बट वहाँ पे जो कंपनीज रजिस्टर्ड है वो 50 लाख हैं। ऐसा क्यों है? एक बिल्डिंग मैंने देखी थी 15 फ्लोर की बिल्डिंग, वहाँ पे 80,000 कंपनीज रजिस्टर्ड है। ऐसा क्यों है? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब शेल कंपनीज होती हैं एंड ये सारा काम जो है टैक्स हेवंस के थ्रू किया जाता है। अब बात आती है कि क्या शेल कंपनीज केवल अदानी ग्रुप यूज़ करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जब ये अदानी का मैटर हुआ तो सब लोगों ने सोशल मीडिया पे गालियां दी कि अरे अदानी जो शेल कंपनीज यूज़ करता है ये है वो है। आप अगर थोड़ी रिसर्च करोगे ना, थोड़े आर्टिकल्स पढ़ो गूगल पे, थोड़ी किताबें पढ़ो कंपनीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, जब आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी शेल कंपनीज बनाती हैं। एप्पल हो, गूगल हो, फेसबुक हो, आपका प्यूमा हो, एडिडास हो, रीबॉक हो, H&M हो, ज़ारा हो, टोयोटा हो, मारुति हो, कोई भी बड़ी कंपनी आप उठा लो, सारी कंपनीज शेल कंपनीज बनाती हैं। कुछ साल पहले खबर आई थी कि नाइकी जो है उसका जो ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस है उसका जो अकाउंट है वो बरमूडा में है। नाइकी US की कंपनी है, जो वो ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशंस कर रही है उसका अकाउंट बरमूडा में है। इसका मतलब क्या है भाई? नाइकी ने अभी तो शेल कंपनीज बना रखी है। फिर टेस्ला को अभी कहा गया इंडिया आने के लिए, तो टेस्ला ने अपनी जो कंपनी रजिस्टर करी जो कि इंडिया में ऑपरेशंस करेगी वो रजिस्टर उसने नेदरलैंड्स में करी। क्यों भाई, आप इंडिया में क्यों नहीं रजिस्टर कर सकते? तो कहीं ना कहीं एक टैक्स का मैटर तो है ना। आप अगर फेसबुक पे पेमेंट करते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे आता है कि आप फेसबुक आयरलैंड को पेमेंट कर रहे हैं। आप आयरलैंड में क्यों पेमेंट ले रहे हो अगर आप फेसबुक को इंडिया में चला रहे हो? या तो आप US में पेमेंट लो कि भाई हम US की कंपनी है, बट आप आयरलैंड में पेमेंट क्यों ले रहे हो? रायन एयर एंड ईजी जेट, ये दो जो लो कॉस्ट कैरियर्स हैं यूरोप की, ये दोनों आयरलैंड में रजिस्टर्ड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट कम है, वहाँ पे आप टैक्स अवॉइडेंस अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा जो वर्जन ग्रुप है रिचर्ड ब्रांसन का, वो देख लीजिए आप, या फिर आप वॉलमार्ट को देख लीजिए, या फिर जितनी बड़ी कंपनी, बोइंग को देख लीजिए, एयरबस को देख लीजिए, लॉकहीड मार्टिन देख लीजिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सारी कंपनीज टैक्स अवॉइडेंस करती हैं, सारी कंपनीज स्टॉक मैनिपुलेशन करती हैं, सारी कंपनीज ये काम करती हैं एंड ये सब शेल कंपनीज के थ्रू होता है। आपको क्या लगता है, जितने भी ये टैक्स हेवंस हैं, लगभग 80-90 देश हैं जो टैक्स हेवंस हैं, वहाँ पे करोड़ों कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, आपको क्या लगता है सारी के सारी कंपनीज उन्हीं की ही रजिस्टर्ड है जो सारे ब्लैक मनी वाले हैं, या फिर जो सारे के सारे चोर लोग हैं, या जो चोर कंपनीज हैं उन्हीं की हैं? नहीं, इसमें जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। जितनी बड़ी कॉरपोरेशन है सबके पास शेल कंपनीज होती हैं। ये बस एक वो कहते हैं डिफेम करने का तरीका है कि हाँ हमें अदानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी थी तो हमने शेल कंपनीज का भी मैटर उठा दिया। दुनिया की हर बड़ी कंपनी अगर आप उनके उनके डिटेल में जाओगे, उनकी ऑडिटिंग करोगे, सबकी शेल कंपनीज निकलेंगी। ऐसा कुछ नहीं कि शेल कंपनीज इज नॉट सम रॉकेट साइंस की, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि पूरी दुनिया में केवल एक अदानी ग्रुप ने किया है। देखिए, मैं कोई अदानी ग्रुप की साइड नहीं ले रहा हूँ। अदानी ग्रुप ने सही किया होगा तो वो सही प्रूफ हो जाएंगे, नहीं किया होगा तो वो गलत प्रूफ हो जाएंगे। बट आपको शेल कंपनीज का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए एंड उनका यूज़ समझ में आना चाहिए, एंड उसका यूज़ जो है दुनिया की हर बड़ी कंपनी करती है। ये बस टाइम टाइम की बात होती है। कल को मान लीजिए ऐसी कोई रिपोर्ट फेसबुक के ऊपर निकल जाए तो फेसबुक की भी हज़ारों शेल कंपनीज निकल जाएंगी। आप ये हिंडनबर्ग रिसर्च को बोलिए कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सबके ऊपर रिसर्च रिपोर्ट निकाल दें, आपको उसमें हजारों शेल कंपनीज मिल जाएंगी। तो शेल कंपनीज एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया का हर कॉरपोरेशन यूज़ करता है, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, इवन जो छोटी कंपनीज होती है वो भी यूज़ करती है। हाँ, MSMEs नहीं यूज़ करते होंगे, बट कहीं ना कहीं जो बिग कॉरपोरेशन से जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं ना, वो सब शेल कंपनीज कहीं ना कहीं यूज़ करते ही हैं। एंड आप मानो या ना मानो, आपको चाहे कितना अनएथिकल लगे, कितना इलीगल लगे या कुछ भी लगे, ये प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो दुनिया भर में होती ही हैं।
आपको इस वीडियो के बारे में और कुछ कहना हो या कुछ और ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।